थ्री इजी वेज टू स्टे लीन एंड श्रेडेड थ्रू आउट द ईयर वन वेट ट्रेनिंग हमें पता है कि वेट ट्रेनिंग जो है आपके मसल को बनाने में हेल्प करता है लेकिन ये आपके मेटालिज्म को भी बढ़ाता है जितना ज्यादा आप मसल बनाएंगे उतना मेटाबलिज्म इंप्रूव होगा उतना ज्यादा कैलरीज बर्न कर सकते हैं उतना ईजिल आप लीन रह सकते हैं इसलिए स्टार्ट वेट ट्रेनिंग एटलीस्ट थ्री टू फोर डेज पर वीक टू स्टे लीन टू कैलोरी डेफिसिट जितनी भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं उससे 10 परसेंट कम कैलोरीज खाना शुरू कीजिए ताकि आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट ना आ पाएंगे ऑल्सो जब साल के दौरान कोई ऐसा फेज आता है जब आप वर्कआउट अच्छे से नहीं लगा पाते हैं कैलरिक्योर की आप एक्स्ट्रा फैट नहीं जमा करेंगे सो so, अगर आपकी मेटेनेस कैलरीज दो आ रही है तो आपने एटीन हंड्रेड कंज्यूम करनी है लीन रहने के लिए एंड लास्टली इंक्रीज एनी एटी मतलब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थमोजेनिस वो एक्टिविटी है जो आप जिम या एक्सरसाइज के अलावा करते हैं द इजिएस्ट वे टू इंक्रीज एनी एटीज टू स्टार्ट वॉकिंग टेन थाउजेंड स्टेप्स इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू बर्न मोर कैलरीज ड्यूरिंग द डे जो आपको साल के दौरान फिट रहने में ज्यादा फैट लॉस करने में और लीन रहने में हेल्प करेगा